चलो जी, हम भी कृष्णा रोड के पास आ गया है। यहाँ का नहीं है यात्रा, दूरी मत। चलो कहें सर, मैं लाज काट रहा हूँ उसे। हाँ कर, चलो चलो सुनिए, हम अभी कृष्णा रिवर के पास आ गए। आपको पता होगा कृष्णा रिवर बहुत बड़ा है इंडिया में, तो सेकेंड थर्ड लार्जेस्ट होगा। पहले गंगा, सेकेंड गोदावरी, और ये थर्ड लार्जेस्ट रिवर है इंडिया में। वैसा भी जो हमारा देखिएगा तो दक्षिण भारत में वाला बहुत बड़ा रिवर है, क्योंकि दक्षिण भारत का एक जीवन नदी बोलते हैं, ऐसा ही बहुत बड़ा रिवर है। हमें भी आपको बताने आए हैं क्योंकि इसको बताने का आपको बहुत ज़रूरत है, तो ये बहुत बड़ा है और सब इधर पानी वगैरह बहुत रहेगा इस आने में, तो इसलिए आपको बताने के लिए आया था। ये ब्रिज वगैरह तो बहुत पुराना हो गया है, देख सकते हैं आप ब्रिज, आपका इधर ब्रिज देख सकते हैं कितना बड़ा है। ब्रिज है फ्रेंड, ब्रिज है पारा, ब्रिज है फ्रेंड। देखो ब्रिज इतना बड़ा है, बहुत पुराना है, कभी कभी पानी आएगा तो इसका जो इतना इसके ऊपर से पानी जाता है, इतना पानी आता है बारिश के टाइम पे, और कई टाइम में ऐसा आएगा। देखो बहुत बहुत बारिश आएगा, तो अभी फिलहाल के लिए इस साल का पानी बहुत कम है और बारिश ही बहुत कम आया था, तो इसलिए इसको पानी बहुत कम आ रहा है इधर देखने में। नहीं तो ये रिवर का पूरा पानी होने वाला था और रिवर पूरा पानी पानी भरता रहा, क्योंकि अभी एक साल में, इस साल में पानी किधर भी नहीं है और नहीं है। देखेंगे अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं, ये देखो ये कृष्णा रिवर का पानी है और इसको बहुत पवित्र नदी मानता है हमारा जो दक्षिण भारत में ना, बहुत पवित्र रिवर उसको मांगता है। और बहुत पानी भी है, बहुत पानी ख़त्म हो गया है इसका, क्योंकि बारिश भी नहीं आ रहा था और बहुत बारिश भी कम आया था, इसलिए इसका पानी बहुत कम है। देख सकते हैं आप लोग इधर देखने के, ये नदी है ना चार स्टेट में जाता है, पहले महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये चार स्टेट में ये नदी जाता है। और उससे भी 1400 किलोमीटर है पूरा नदी का जो लेंथ है ना, ये 1400 किलोमीटर चार स्टेट में ये पानी जाता है, और लास्ट में बंगाल, बे ऑफ बंगाल है ना, उस समुद्र में ये पानी का तो जाके उधर मिलता है पानी का। और सब ये बहुत बड़ा, और देख आगा आगा खंदूरी आगा, अजय आगा, अजय आगा, जाता पूरा आवर नदी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि जो इसका बाजू में सराउंडिंग है ना, वो तो खेती बाड़ी करता है, तो खेती बाड़ी के लिए इसका पानी बहुत हेल्पफुल होता है लोगों के लिए। जो फार्मर होता है, फार्मर के लिए बहुत हेल्पफुल है इस पानी। देख सकते हैं आप नदी में पूरा पानी खत्म हो गया, नहीं तो बहुत ज़्यादा पानी रहने वाला था, हर साल बहुत ज़्यादा पानी रहता था, क्योंकि इसी साल में पानी बहुत कम आ गया और बारिश भी नहीं था ना, तो इसलिए इसका ज़्यादा पानी नहीं है हम देखने में। आप देख सकते हैं देखो ज़्यादा पत्थर है और ये वाला है। देखो इधर भी तो कोई कोई इधर कोई फेस्टिवल करता है ना, पूजा वगैरह मनाता है, देख सकते हैं आपको। देखो ये छोटा सा शिवलिंग है, देखें लोग इधर बहुत पूजा पाती करने में आता है, ऐसा ही बहुत पूजा इधर करते, फेस्टिवल रहेगा तो बहुत इधर वो लोग आएगा, मतलब बारिश करने, पूजा पाती करने के लिए शिवलिंग छोड़ कर आएगा। ऐसा इधर पानी तो अभी बहुत कम था ना, तो इसलिए बहुत कम है इधर पानी। पहले हम लोग आया तो ज़्यादा पानी था, अभी फिलहाल के लिए तो बहुत पानी कम है इधर बताने में। ये ब्रिज बहुत पुराना है, कब कब पानी आएगा तो ये ब्रिज का ऊपर से पानी जाता है, इतना पानी आता है इधर देखने में।